अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके वश में हो जाए दोस्तों, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा अमल जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में, अपने काबू में कर सकते हैं। अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आपको उनसे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट हो रही है, आपको उनसे कह नहीं जा रहा है, तो दोस्तों आप इस नक्श के जरिए उन्हें अपनी बात पहुंचा सकते हैं और वो भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे। चाहे वो कोई लड़की हो या फिर आपके कोई पुराने प्रेमी हो, आप किसी को भी इस नक्श के द्वारा अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक कागज लेना होगा और उस कागज पर आपको नक्श बनाना होगा। कागज पर नक्श बनाने के बाद आपको उस नक्श में लिखना होगा उनका नाम। तो दोस्तों आपको नक्श बनाने के लिए एक कागज की जरूरत पड़ेगी, इस साइज का एक कागज ले लीजिए और एक कलम की जरूरत पड़ेगी। अब आपको कागज पर इस तरह से एक नक्श तैयार करना है, ऊपर आपको लिखना है 786 और अंदर आपको दो लाइनें और खींचनी है इस तरह से। देख सकते हैं यहां पर मैंने ये नक्श बनाया है। अब इसमें जो मैं लिख रही हूँ वैसा ही आपको भी लिखना होगा। सबसे ऊपर आपको लिखना है 7, फिर 9, फिर 6, नीचे आपको लिखना है 13, 17, 19, सबसे नीचे आपको लिखना है 2, 21 और जो आखिरी खाना है उसको आपको खाली छोड़ना है। वहां पर आपको नंबर नहीं लिखना है, वहां पर आपको लिखना है गुर्द। और दोस्तों इस नक्श के नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे नक्श बनाया है, इसके नीचे आपको लिखना है अपनी प्रेमिका का नाम और उसके नीचे आपको लिखना है उनकी वालदेन का नाम, यानी कि उनकी माँ का नाम आपको उसके नीचे लिख देना है। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लिख रही हूँ सलमा और उनकी माँ का नाम लिख रही हूँ नगमा। इस तरह से आपको लिखना है और सलमा के आगे आपको फिर से गुर्द लिख देना है। ये इस तरह से आपको नक्श बना लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप इस नक्श को अच्छी तरीके से मोड़ लीजिए, इस तरह से कागज को ऐसे मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद दोस्तों आपको इसे रखना है अपने पास। जी हाँ, एक रात आपको इसे अपने पास रखना है, अपने तकिए के नीचे रखकर आप इस पर इसे इसके ऊपर आप सो जाइए और अगले सुबह जब आप उठेंगे तो आपको इस नक्श को ले जाकर ऐसी जगह पर लेकर जाना है जहाँ पर आपको कोई ना देखे। तो किसी साफ जगह पर जाकर आपको वहाँ पर मिट्टी में गड्ढा खोदना है 1.5 फीट का और उसके अंदर आपको ये नक्श को अच्छी तरीके से रख के और फिर ऊपर से मिट्टी डाल के दफन कर देना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि जिस जगह पर आप नक्श को दबा रहे होंगे, दफन कर रहे होंगे, वहां पर कोई गंदगी ना हो, साफ सुथरी जगह पर जाकर ही आपको ये काम करना है। और उसके बाद वापस घर आ जाएं, घर वापस जब आएंगे उसके बाद अपने हाथ पैर धो लें, वजू कर लें और साफ कपड़े पहन लें दोस्तों। तो ध्यान रखिए इस बात का, ये नक्श इतना ज्यादा काम करता है, इतनी जल्दी काम करता है कि आप यकीन मानिए आपका काम तुरंत हो जाएगा। आप जिसके लिए भी इस नक्श को बना रहे हैं वो आपकी बाहों में होगा, आपसे मिलने के लिए वो आपको खुद कॉल करेगा, आपको समय मांगेगा, आपसे मिलने का समय मांगेगा और फिर से आप दोनों का प्यार बढ़ जाएगा। जी हाँ, आप जितनी मोहब्बत करते हैं उस शख्स से, वो शख्स भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करने लग जाएगा। तो दोस्तों आप इसे कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कोई आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, शब्बा खैर। तो कॉल लगाएं मौलाना जी को, उनका नंबर है +917222062593। इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं मौलाना जी से।